हेलो वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज तो वैसे भी बारिश का मौसम था हमारे घर पे। आई होप कि आप सभी के यहाँ भी बारिश हो रही होगी और आप इस मौसम को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं शॉपिंग पे गई हुई थी तो मैं कुछ अपने लिए सामान लेके आई हूँ जिसका मैं आपके सामने रिव्यू करना चाहती हूँ। और आप सभी देख के कमेंट करके ये बताइएगा कि कौन सी चीज़ मेरी आप सबको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ वो है ये इयररिंग। गाइस ये देखिए इतना ब्यूटीफुल सा इयररिंग है जो मुझे काफ़ी पसंद आया है। आई होप कि आप सभी को भी ये पसंद आएगा। ये देखिए गाइस कैसा लगा आप सभी लोगों को प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रही मेरी फर्स्ट इयररिंग और इसका प्राइस है ओनली 30 रुपीज़। सो ये 30 रुपीज़ में मेरे को काफ़ी अच्छी इयररिंग लगी। आप इसको किसी भी कैजुअल में, किसी भी पार्टी में या फिर किसी भी इंडियन ड्रेस के साथ अच्छे से कैरी कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी सेकंड इयररिंग दिखाती हूँ। सो गाइस ये रही मेरी सेकंड इयररिंग। इसको मैंने आई थिंक मिंत्रा से मंगवाया हुआ था। ये थोड़ी सी कॉस्टली है। इसमें ये फील्ड वर्क हो रखा है, ये मोतियों वाला वाइट से। इसकी प्राइस आई थिंक 150 रुपीज़ थी जिसको मैंने कल ऑर्डर करके मंगाया हुआ था। सो ये मेरी सेकंड इयररिंग हो गई। दिखाती हूँ ये गाइस। सच में ये इयररिंग ना मुझे बहुत पसंद आई थी। सो इसको आप लोग देखते होंगे एक्ट्रेस या फिर बिग बॉस वगैरह में, काफ़ी लोगों को मैंने पहने हुए देखा है। ये भी मात्र सिर्फ 30 रुपीज़ में मेरे को मिली हुई थी। तो ये 3 इयररिंग हो गई मेरी। गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद। गाइस और ये मैंने एक मार्केट में नेकलेस पसंद किया हुआ था अपने लिए। ये सच अ ब्यूटीफुल नेकलेस और इसका प्राइस आप जान के यकीन नहीं करेंगे, ये सिर्फ 100 में मुझे मिला हुआ था। ये मुझे काफ़ी प्रीटी सा लगा। ये आपके किसी भी ड्रेस के ऊपर अच्छे से चल जाएगा। तो गाइस अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदना हो तो आप लोग लाजपत नगर जा सकते हैं। ये वहाँ पर मुझे 150 का मिला हुआ था। और हाँ इसके साथ में इयररिंग भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसकी इयररिंग ये। और आप इसको किसी भी साड़ी या फिर सलवार सूट के साथ अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा वन पीस नेकलेस एंड इसके साथ ये इयररिंग। और अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। सो गाइस मैंने ये अपने लिए ब्लैक टॉप लिया हुआ था जो मैं काफ़ी दिनों से सर्च कर रही थी। मुझे ब्लैक टॉप बहुत पसंद है तो ये मैंने लिया हुआ था 100 रुपीज़ का सरोजनी नगर मार्केट से। गाइस अगर आप सबको भी ये सब चाहिए तो आप सरोजनी। और गाइस मैंने ये अपने लिए प्लाजो लिया हुआ था। गाइस आप ये देख सकते हैं मेरा प्लाजो जिसको मैंने लिया हुआ था। आप ना इसको स्कर्ट के जैसा भी वेयर कर सकते हैं। इस पर काफ़ी सारा ये घेर है तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया हुआ था। और ये था ओनली 200 रुपीज़ का जो मुझे काफ़ी पसंद आया हुआ था। और एक सेकंड मैंने एक और लिया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। गाइस ये मेरा सेकंड प्लाजो है जो ब्लैक रेड एंड ग्रे और ब्लू कलर में। ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया हुआ था। इसको आप किसी भी फंक्शन में, दिवाली पे, किसी भी पहन सकते हैं। तो ये भी 200 का था। अगर आप ऐसे कुछ लेना चाहते हैं तो आप जनपद मार्केट विजिट कर सकते हैं। तो ये था मेरा प्लाजो। एंड मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं एक अपना श्रग लेके आई हुई थी। सो जिसको मैं लेके आई थी 100 रुपीज़ में। ये भी मैं जनपद से ही लेके आई थी जो कि दिल्ली में मार्केट है। तो ये गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा। शॉर्ट में है, इसको आप टॉप के साथ या फिर सलवार सूट के साथ भी कैरी कर सकते हैं। इसका जो ये पिंकिश बेबी कलर है जो मुझे काफ़ी पसंद आया। सो गाइस ये थी मेरी शॉपिंग। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। गाइस ये मेरी शॉपिंग थी कपड़ों की और ज्वेलरी वगैरह की। आई होप कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ज्वेलरी में और क्लॉथ में आप सबको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।